अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि शर्ड को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम आगे चल के जब 12th में 11th में या ग्रेजुएशन में कहीं भी हम सिंप्लीफिकेशन, हमको आता नहीं शर्ट को, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक में शर्ट को सिंप्लीफाई करना, मतलब जजरी मकदारों को हम किस तरह से मुख्तसर करते हैं, आसान से आसान सूरत में लेकर आते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है नदीम अहमद खान और इस चैनल का नाम है मैथ विद खान सर। अगर आप इस वीडियो के साथ नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई करना चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ 27 हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 9 × 3 ये होगा 27। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने 9 ही क्यों चुना, हमारा फैसला 9 पर क्यों रुका, क्योंकि 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते 3 के शक्ल में। ओके, तो ये आ गया 3√3 और 3 बाहर निकलता नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आया 27 का 3√3। क्या करना है आपको, एक ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है या ऐसे नंबर के फॉर्म में लेकर आना है ताकि वो बाहर निकल सके, ताकि हमारा आंसर इजी से इजी हो सके। फॉर एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है 50 का। अब देखिए 50 को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। अब 50 को मैं 25 के फॉर्म में लाता हूँ। 25 ज़रब 2 25 × 2। अब 25 बाहर निकलता, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो ये 5 और ये आ गया √2, तो ये 5√2। आई बात समझ में। अब यहाँ पर 250 आया, 250 को कैसे निकालते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 125 ज़रब 2। 125 के दो हिस्से 250 बनाते हैं। ओके, और 125 को हम कैसे लिख सकते हैं मजीद, 25 × 125 25 × 125 × 2। अब देखिए 25 बाहर निकलता। ओके, अब यहाँ क्या बचा, 5 × 2 मतलब 10, 5√10। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, 250 का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 5√10। इस तरह से हमारा आंसर आता है। अब 112 है, अब 112 को किस तरह से लिखेंगे आप, 112 के फैक्टर गिराना है। अब 112 देखिए 56 को हम लिख सकते हैं, 56 × 112। ओके, आसान। अब 56 क्या है, 7 × 8 = 52, 7 × 8 = 56। ओके, अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। आसान से आसान करना है। ओके, अब देखिए 2 और ये 2 एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करते, कंप्लीट परफेक्ट 7 × 4 × 4, 7 × 4 × 4, 4 को बाहर निकालो 2, 4 को बाहर निकालो 2, अंदर कौन बचा 7, 2 × 2 = 4, मतलब ये आएगा 4 × 7, ये आएगा फाइनल आंसर। इसका मतलब 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√7। ध्यान रहे, बहुत आसान ट्रिक है, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो। और मैथ एक ऐसी चीज़ है बिगर प्रैक्टिस की वो आता नहीं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है मैथ्स की, 1, 2, 3, 4 टाइम्स कम से कम परफेक्ट होते। ओके, तो इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।